चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बोर्ड एग्जाम में आप गए हैं एग्जाम देने के लिए और कुछ नहीं आया तो क्या करें। मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ आ ही नहीं रही है तो उस समय आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन पेपर में अच्छा नंबर लाना है, मतलब प्रश्नों का कैसे आपको जवाब देना है। यानी आप बोर्ड का एग्जाम देने जा चुके हैं, उस एग्जाम में बैठे हुए और पेपर देखने के बाद आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो भैया उस समय क्या क्या करना है। चलो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, देखो इसलिए बता रहा हूँ एक एक तरीका ताकि आप सारे विद्यार्थी टॉपर बन सकते। देखो सिर्फ तेज वाले बच्चे के लिए टॉपर बताने की बात नहीं कर रहा हूं और एक ही तरीका मैं नहीं ला रहा हूं। देखो मेरे वीडियो में हर तरीके में अलग अलग टिप्स मैं आपको सिखाता हूं। ये टिप्स हर विद्यार्थी के लिए, खासकर उन विद्यार्थी के लिए हैं जो पढ़ने में कमजोर है, जो एग्जाम में बैठे उनको कुछ नहीं आ रहा, उनके लिए है। देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपको मिली है ना उसको पूरे ध्यान से पढ़ो, एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो कौन क्या कह रही है, ये पहला आपको काम करना है। दूसरा का जो प्रश्न आपको आ रही है, जिस प्रश्न का ज्यादा आपको आंसर पता है, ऐसा थोड़ा है कि मतलब 50 क्वेश्चन दिए उसमें से एक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, एकदम आएगा। 50 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं है, हो नहीं सकता, एकदम आएगा तो आएगा। क्योंकि देखो एग्जामिनर जो होता है ना, 100% क्वेश्चन में से मात्र 99% जो क्वेश्चन होता है सिंपल होता है, 1% 1-2% जो क्वेश्चन होता है वही हार्ड होता है, लेकिन और सब क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सिंपल होते हैं बाबू। तो ये सब चीज पर फोकस करना है। तो जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है, जिस प्रश्न का आंसर आप ज्यादा जानते हैं, सबसे पहले उसी प्रश्न का आपको आंसर लिखना है। तीसरा काम, कॉपी के कम से कम पहले 4 या 5 पेज आपको सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है और ज्यादा आपको काट कूट नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में कुछ नहीं आ रही है उसी प्रश्न का पहले आंसर दे जो आपको आ रही है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ आपको पता, उसको लिखे। और ज्यादा आपको कोशिश करना है कि कॉपी के कम से कम पहले 4 या 5 पेज तक सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब दे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। जब स्टार्टिंग की आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, जवाब अच्छा रहेगा, तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन बन जाता है और वो अंत तक इंप्रेशन बन के रहती है और वो आपके नंबर को अच्छा देता है। और चौथी बात है, सभी प्रश्न के उत्तर में कुछ ना कुछ आपको जरूर लिखना है। अगर मान लो कि बैठने अच्छा है कि जो भी आपका प्रश्न है उसमें कुछ ना कुछ अपने से आंसर बना कर लिखे, नहीं आ रही है अरे भैया उसके बारे में कुछ भी तो आपको पता होगा। मान लो कलम है, कलम को कुछ नहीं पता होगा और पूछ दिया कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखे, पूर्णांतिक प्रवर्तन को लिखे, तो प्रकाश बोलिए तो प्रकाश के बारे में नहीं पता है क्या, क्या जो भी पता है प्रकाश के बारे में लिख दो। तो कहने का मतलब है कि सभी जो प्रश्न है उसके आंसर में कुछ ना कुछ आपको 2-5-10 लाइन लिखना ही होगा, इससे क्या होगा कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। और यहाँ पे पांचवी बात है, अपने उत्तर में एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचे। जब आप बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, आंसर जब उनको पता ही नहीं होता तो एक ही को लाइनों को बार बार लिखते चले जाते हैं। अरे बुड़बकई वाला काम मत करो, एक तो बाबू आपको आंसर नहीं पता है और कुछ लिख भी रहे हो तो बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे, नहीं कोशिश करो 4 से 5 पेज, कोशिश करना 4 से 5 पेज कम से कम अलग अलग आपको क्या करना है, लाइनिंग लिखना, अलग अलग शब्द लिखना है, उसी से संबंधित आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद छठी बात है, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखे जो भी आप लिख रहे हैं, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं, जितना भी आप प्रश्न बना रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रही फिर भी आप उसका आंसर अपने मन से बना कर दे रहे हैं, वो भी लिखना है तो सुंदर राइटिंग के साथ लिखे। इंटर में जब मैं पढ़ रहा था तो एजाज नाम का एक मेरा दोस्त था, इंटर में जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे एक इजाज नाम का दोस्त था, उसको इंग्लिश में कुछ पता ही नहीं था, आता ही नहीं था, लेकिन इंग्लिश में राइटिंग इतना सुंदर थी ना कह नहीं सकते हैं। 150 का इंग्लिश का एग्जाम दिया मेरे साथ वो दिया और बोला कि देखिए 42 से 47 नंबर का इंग्लिश में लिखे थे, जब रिजल्ट आया ना तो 142 नंबर उसको मिला था। बता जो इंसान 150 में मात्र 42 से 47 नंबर का लिखा था उसका 142 नंबर मिला था इंग्लिश में, सोचनीय बात थी, लेकिन फिजिक्स में बेचारे का क्रॉस लग गया था। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा बाबू, पता है राइटिंग सुंदर करो, राइटिंग आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो जो भी लिखना है सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। और 7वां नंबर, पेपर को लेकर बेकार में बैठे नहीं रहना है, समय का पूरा सदुपयोग करना है। कई बार बच्चे नहीं आता तो पेपर लेकर चुपचाप बैठ जाता है, मटकी मारते रहते हैं बकलोल कहीं के, अरे कुछ भी आता है ना, जो आता है वो लिखो, राम रहीम कावा जो भी आता है वो लिखो, लेकिन बैठो नहीं, समय का पूरा उपयोग करना है, बना कल्पना से लिखना, लेकिन लिखना बैठना नहीं है। और 8वीं बात है, आत्मविश्वास रखे कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, लिखूंगा, ये एकाग्रता बनाकर रखना, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो हो गया फेल हो जाएंगे, अरे भैया एकाग्रता बनाओ कि नहीं मुझे टॉपर बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, इस सब चीज को बना कर रखे, मतलब आत्मविश्वास आपको, आत्मविश्वास आपको क्या करना है बनाकर रखनी है। ये 8 काम करना है जब बोर्ड एग्जाम में चलेगा और कुछ नहीं आ रही तब। पहला, सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना, दूसरा जिस प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा पता उसको लिखना है, तीसरा कॉपी के कम से कम 4 या 5 पेज तक सुंदर राइटिंग लिखना, काट कूट नहीं करना है, चौथा सभी प्रश्न का उत्तर कुछ ना कुछ आपको लिखना है,
पांचवा अपने प्रश्न में अपने उत्तर में एक ही शब्द को नहीं दोहराना है। छठा सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। सातवां पेपर को लेकर बेकार में नहीं बैठना बल्कि समय का पूरा प्रयोग करना है और विश्वास रखना कि मैं अच्छा रिजल्ट ला दूंगा। ये 8 काम आपको करना शुरू कर देना है। आपको लग रही है कि इस वीडियो से किसी को हेल्प मिल सकती है और जो पढ़ने में सबसे कमजोर विद्यार्थी है वहां तक ही आवाज पहुंचाइए क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे वैसे विद्यार्थी के लिए सारी बातें क्या है आवश्यकता है तो उन सभी के पास पहुंचाइए। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या आपकी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से जाकर संपर्क करिए और जो प्रश्न आपको नहीं है आकर आप क्लियरली पूछ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम।